आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस सत्ता में आई तो गरीबों को हर साल मिलेंगे 72,000 रुपए, इसमें 25 करोड़ लोगों का होगा फायदा। कांग्रेस की मांग, ग्वालियर से प्रदर्शनी राजेश सिंधिया को बनाए उम्मीदवार। रंग पंचमी की धूम, कहीं निकले जुलूस तो कहीं उड़े रंग गुलाल। बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, दिग्विजय के आने से बीजेपी को नहीं पड़ता कोई फर्क। और धोनी ने बिटिया से पूछा कैसी हो, बिटिया ने दिया 6 भाषाओं में जवाब। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो गरीबों को हर साल मिलेंगे 72,000 रुपए, इसमें 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक उनकी पार्टी ने इस योजना का पूरा खाका खींच लिया है, इससे 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबों को हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि 20% सबसे गरीब परिवारों को दी जाएगी, इससे 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ग्वालियर कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान से मांग की है कि ग्वालियर से कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रदर्शनी राजे सिंधिया को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करे। ग्वालियर लोकसभा सीट से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के मुरैना जाते ही समीकरण तेजी से बदल गए। न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस में उथल पुथल तेज हो गई। कांग्रेस महासचिव व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर आने के बाद आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई गई। मंत्री, विधायक व वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने प्रस्ताव पढ़कर सुनाया कि ग्वालियर सीट से प्रदर्शनी राजे सिंधिया को टिकट दिया जाए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, लाखन सिंह यादव, इमरती देवी, विधायक मुन्ना लाल गोयल, प्रवीण पाठक सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर इसके लिए सहमति दे दी। प्रस्ताव को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को तत्काल फैक्स कर दिया गया। खास बात यह थी कि बैठक में टिकट के प्रबल दावेदार अशोक सिंह और दिग्विजय खेमे का एक भी वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचा। बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़े, हमें फर्क नहीं पड़ता, हर जगह जीत भाजपा की होगी। बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह जबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष के नाते उन्हें पूरा प्रदेश देखना है। उनका कहना है, कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, इससे हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, हम पूरी तैयारी से मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह को भोपाल से प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस जिनको इन सारी बातों से फर्क पड़ता है वो इसके बारे में चिंता करें, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने तो कहा कि वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अंदर आपस में चुनौती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को ही भोपाल से घोषित करेगी। पार्टी अपनी तरफ से सोच समझ कर निर्णय करके उचित समय पर टिकटों की घोषणा करती है और वो जरूर करेगी। दिग्विजय सिंह के भोपाल से चुनाव लड़ने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, भोपाल की जनता के मन में उस हर व्यक्ति के खिलाफ आक्रोश है जो आतंकवाद के समर्थन में बोलता है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, दिग्विजय चाचा को भोपाल से टिकट मिला है, लेकिन इससे भोपाल में तो खुशी नहीं है, पाकिस्तान में मिठाइयां बंटने के समाचार जरूर मिल रहे हैं। भोपाल की जनता के मन में उस हर व्यक्ति के खिलाफ आक्रोश है जो आतंकवाद के समर्थन में बोलता है। दिग्विजय सिंह वो चेहरा है जिन्होंने सैनिकों की शहादत का मजाक उड़ाया है। पाकिस्तान में मिठाई बंटने का समाचार शायद प्राप्त हुआ है कि पाकिस्तान में दिग्विजय सिंह को टिकट मिलने के कारण मिठाइयां बंट रही हैं। भोपाल की जनता के मन में
उस हर व्यक्ति के खिलाफ आक्रोश है जो आतंकवादियों के समर्थन में बोलता है। भोपाल के जनमानस में के अंदर हर उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ है जो भारत के सैनिकों की शहादत को मजाक में उड़ाता है, और दिग्विजय सिंह जी उसमें से एक चेहरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा को अपने ही चौकीदारों पर भरोसा नहीं, यही वजह है कि घर के सारे बल्ब बदल डालूंगा वाले विज्ञापन की तर्ज पर सभी वर्तमान सांसदों को बदल दिया गया, उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया। मंत्री भूपेश बघेल ने पहले नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी पहुंचकर आम सभा को संबोधित किया, फिर जगदलपुर से गणपति रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं व पत्रकारों से मुलाकात की। सीएम भूपेश ने भाजपा के सभी वर्तमान सांसदों के टिकट काटे जाने पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अपने ही चौकीदारों पर भरोसा नहीं है, सबको बदला जा रहा है। मुन्ना भाई भी आ गए सामने, अभी मुन्नी भाई से निपट ही रहे, अब मुन्ना भाई भी आ गए हैं लोकसभा में, उसको भी प्रत्याशी बना दिए हैं जो नकल करते पकड़े गए थे, तो उसको ले आए हैं, तो दोनों पहले यहाँ निपट लें, मुन्ना भाई भी निपटा लें, फिर उसके बाद मुन्नी भाई। 11 में से कितनी सीटें लोकसभा में? ये अमित शाह जी यहाँ 65+ की बात उन्होंने की थी, लेकिन 68 सीट हम लोग जीते। रमन सिंह जी बोले थे 11 लोकसभा हम जीतेंगे, उन्होंने तय किया है, वो हम लोग हासिल करेंगे 11 सीट हम लोग। मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक मुन्ना भाई से निपट रहे थे, अब मुन्ना भाई भी आ गए और उनसे भी निपट लेंगे। दरअसल बैदू राम कश्यप पर यह आरोप लगा था कि 10वीं की परीक्षा के दौरान उनकी जगह किसी दूसरे ने बैठकर परीक्षा दी थी। लोकसभा में कितनी सीटें जीतने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने 65 सीटों का लक्ष्य रखा था और हमने 68 पर जीत दर्ज की। अब रमन सिंह ने 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है, तो हम 11 सीट जीतेंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी, घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक आम आदमी ने चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बैतूल से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा शुरू की है। उसका कहना है चौकीदार ने चौकीदारी ठीक से नहीं की। ये है बैतूल के चंद्रशेखर पंडोले, इनका कहना है चौकीदार ने चौकीदारी ईमानदारी से नहीं की और चुनाव को खर्चीला बना दिया। सभी पार्टियां गुंडागर्दी पर उतर आई हैं। उन्होंने कहा, अगर मेरे दो बिंदु पर चर्चा नहीं की तो मैं दिल्ली निर्वाचन की छत से कूदकर मर जाऊंगा। चंद्रशेखर पंडोले ने साइकिल से बैतूल से निकले हैं और पूरे प्रदेश में घूमकर दिल्ली पहुंचेंगे। चंद्रशेखर पंडोले बैतूल डिस्ट्रिक्ट के आमला विकास खंड से 23 साइकिल से निकला हूँ और दिल्ली निर्वाचन सदन पहुँचना है मुझे। 28 तारीख से दिल्ली प्रदेश में साइकिल से घूम घूम के भूख हड़ताल है और 30 मार्च के 3 बजे के बाद अगर निर्वाचन आयोग ने दो बिंदुओं पे सख्त कार्रवाई नहीं करी तो मैं 3 बजे के बाद निर्वाचन सदन अशोक रोड के छत से कूद कर आत्महत्या कर लूंगा।
जिसका जिम्मेदार निर्वाचन आयोग होगा। भारत का लोकतंत्र विश्व में लोकप्रिय है और निर्वाचन आयोग जो लोकतंत्र का असली चौकीदार है उसने अपने चौकीदारी ईमानदारी से निभाई नहीं, जिसके कारण तमाम पार्टियों ने देश में गुंडागर्दी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, खर्चीले चुनाव बना दिया, जिसकी वजह से देश में तमाम समस्या उत्पन्न हुई है। कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट से खजुराहो नगर परिषद के अध्यक्ष और तीन बार से राजनगर सीट से विधायक विक्रम सिंह नाती राजा की पत्नी कविता सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। कविता सिंह को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। छतरपुर राज परिवार की सदस्य और पन्ना राज परिवार की भांजी बहू कविता सिंह इस बार कांग्रेस को खजुराहो सीट निकाल कर देंगी। कविता सिंह खुद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद घर से निकली और अपने कार्यालय में जाकर कार्यकर्ताओं से भेंट कर बधाई ली। कविता का दावा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया है। बिल्कुल राज परिवार का प्रभाव तो है, क्योंकि राज परिवार ने हमेशा जनता के हितों की बात की है और छतरपुर राज परिवार की बात करें तो हमेशा जनता को साथ लेकर चले हैं। मेरे जो मुद्दे होंगे वो पहले तो जनता के मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वो उन मुद्दों को लेकर जाऊंगी मैं, जैसे कि बेरोजगारी है, किसानों का पलायन है, सिंचाई की सुविधाएं हैं, रोड व्यवस्थाएं हैं, बिजली के साधन हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर जाऊंगी। साथ ही पाँच साल में जो भाजपा सरकार ने जो इनकी नीतियां रही हैं, जो किसान विरोधी रही हैं, जो युवाओं के विरोधी रही हैं, बेरोजगार बनाया है, उन मुद्दों के को भी लेकर जाऊंगी। जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे परंतु वो कभी भी उन वादों पर खरी नहीं उतरी, उन मुद्दों को लेकर भी मैं जनता के बीच में जाऊंगी। कविता सिंह ने कहा कि वह जीतने के बाद युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए प्रयास करेंगी। उनका कहना है कि राज परिवार से जुड़े होने की वजह से उन्हें चुनाव में जरूर लाभ मिलेगा और वह खजुराहो सीट जीतकर कांग्रेस के खाते में डालेंगी। खजुराहो लोकसभा सीट में 2 छतरपुर, 3 पन्ना और 3 कटनी जिले की सीट आती है। जबलपुर के हाथीताल की लक्ष्मी कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आसपास के लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लक्ष्मी कॉलोनी के 2 मंजिला मकान के ऊपरी हिस्से में दिलीप पटेल किराए से रहते हैं। उनके किचन में रखे घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से परिवार के लोग दहशत में आ गए। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी, वहीं लोग खुद भी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। आग से घर की दीवारें, किचन का दरवाजा और अन्य सामान जल गया। समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लक्ष्मी कॉलोनी में, हाथीताल लक्ष्मी कॉलोनी में मकान में गैस सिलेंडर लीक हो गया था, जिससे आग लग गई थी। उसे पूरी तरह बुझाया। कितनी गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड? एक गाड़ी लेके आए थे फायर ब्रिगेड। किस वजह से लगी है आग? आग गैस सिलेंडर द्वारा। बस में एक अज्ञात बैग की खबर ने बस में सभी यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया। बस राजस्थान राज्य परिवहन की थी जो राजगढ़ जा रही थी। कंडक्टर ने गंभीरता से लेते हुए 100 डायल पर सूचना दी। मौके पर राजगढ़ कोतवाली पुलिस पहुंची और जब बैग की तलाशी की गई तो सभी हैरान हो गए। बैग से 1,25,00,000 की 1 किलो 88 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जब पुलिस को करोड़ों की स्मैक बरामद हुई तो बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की गई और दोनों की निशानदेही पर स्केच बनवाए गए। फिर पुलिस ने जाल बिछाया और सादे कपड़ों में पुलिस वाले अलग अलग सीट पर बैठ गए। जैसे ही आरोपी बैग लेकर जाने लगा पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। यह बैग राजस्थान राज्य परिवहन की बस क्रमांक RJ17PA0825 में था, जिसे मौके पर जब्त कर थाना कोतवाली राजगढ़ में अपराध क्रमांक 163/19 धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया गया। आपको बता दें कंडक्टर को बस में संदिग्ध एक बैग मिला, जिसकी सूचना पुलिस को देने के बाद आरोपी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। कार्यवाही थाना प्रभारी निरीक्षक JB राय ने अपने बल के साथ की। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और उस बैग के अंदर सुतली से बंधी हुई पन्नी में करीब 938 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। आरोपी ने अपना नाम कमल लोधी, उम्र 19 साल बताया, जो राजस्थान का रहने वाला है। जब आरोपी की तलाश की गई तो उसके पास से और 50 ग्राम स्मैक पुलिस ने जब्त किए। इसके साथ ही और दूसरे
आरोपी बालू सौधरिया उम्र 24 साल को भी पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके पास तलाशी करने के बाद 100 ग्राम स्मैक जब्त की गई। इस अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर आरोपियों से 1,25,00,000 रुपए की 1 किलो 88 ग्राम स्मैक जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई। कई तस्करों के नामों का खुलासा होने की संभावना भी है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आइसक्रीम ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है, और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर फर्जी डॉक्टरों ने इस पेशे को शर्मसार कर दिया है। रेहटी के चकलदी में एक झोला छाप फर्जी डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसकी ही क्लिनिक पर छापा मारकर पुलिस के हाथों सौंप दिया है। योगेश यादव ने सीहोर कलेक्टर को शिकायत की थी कि चकलदी में डॉक्टर संजय टीकादार बंगाली से उसने इलाज कराया था। इलाज के बाद उसकी हालत बिगड़ गई, इस कारण उसे भोपाल में इलाज कराना पड़ा, जिससे उसका काफी पैसा खर्च हो गया। कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नसरुल्लागंज से स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज की टीम को छापा मारने के लिए आदेश दिए। विभाग ने कार्यवाही कर क्लिनिक सील कर दी और दवाइयां जब्त कर फर्जी डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। योगेश यादव पिता रामचंद्र यादव, उम्र 22 साल जी, ये एक मरीज थे जो उनके डॉक्टर संजय टीकादार के पास आए थे इलाज कराने के लिए। उनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि 23/8/18 को इनका एक्सीडेंट होने के बाद इन्होंने इलाज किया है, तो जिसके वो उसके इलाज से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए फिर उन्होंने शिकायत की कलेक्टर को, तो कलेक्टर द्वारा हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाजार में आपके पैसे को दोगुना करने वाली फर्जी कंपनियों की भरमार है। यह कंपनियां लुहावने ऑफर देकर आपको फंसाती हैं। ऐसी ही एक कंपनी HBN डेयरी नाम से संचालित हो रही थी। यह कंपनी पिछले कई सालों से आम नागरिकों को पैसा दोगुना करने का झांसा देकर पैसे जमा करवा रही थी। जब पैसा दोगुना नहीं हुआ, असल भी वापस नहीं हुआ, तो लोगों को समझ आया कि वो ठगे जा चुके हैं। 200 से अधिक लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि जबलपुर के राजी थाना क्षेत्र में कंपनी द्वारा ठगे गए लोगों ने कंपनी के एजेंट्स को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। HBN डेयरी कंपनी पिछले कई सालों से लोगों को पैसे दोगुना करने का झांसा देकर पैसे जमा करवा रही थी। कंपनी के एजेंट्स उससे संपर्क करते थे और कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने पर कमीशन देने और पॉलिसी के रूप में पैसे जमा करने पर पैसे दोगुना करने का झांसा देते रहे। 2012 में कंपनी बंद होने के बावजूद भी कंपनी के एजेंट्स 2016 से 2017 तक उनसे किश्त के रूप में 200 से 20,000 रुपए तक जमा करवाते रहे। जानकारी के अनुसार यह कंपनी लगभग 6 साल पहले ही बंद हो चुकी है। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कंपनी के एजेंट्स AD जॉय, राज बहादुर पाल और थॉमस एंथोनी एक बार फिर लोगों से मिलने और पैसा जमा करवाने पहुंचे, जहां सभी ने मिलकर पुलिस को सूचना दे दी और तीनों को गिरफ्तार करवा दिया। बहरहाल मामला करोड़ों रुपए की ठगी का है, इसीलिए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहुत परेशान है, पैसे हर साल जमा करते रहे पैसे 20-20,000 रुपए कि मिलेंगे पैसे मिलेंगे, जो आज 9-10 साल हो रहे हैं मिलने का नाम ही नहीं पैसे। सर को पता है, सर को पता है HBN कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर। HBN कंपनी के कुछ अधिकारी यहाँ जबलपुर आए थे, इसमें एक जॉय करके हैं, एक पाल हैं और एक थॉमस करके हैं, थॉमस एंथोनी,
ये तीनों आज जबलपुर में आए थे, तो जॉय यहीं रहते थे। तो आज इन बहनों ने और भाइयों ने जिनका पैसा जमा था, कुछ एजेंट बेचारे परेशान थे क्योंकि लोगों का पैसा बार बार जमा करके, इनने 2012 में कंपनी बंद हुई और 2017 तक लोगों का से पैसा लेते रहे इन लोग। ये फ्रॉड जनता के साथ भी किया और उसी पैसे से कुछ लोग को चुकाते भी गए पैसा। लेकिन तो फिर मैंने माने TI महोदय से बात करी कि भाई ऐसी सी बात है, गरीब लोग का पैसा है और ये इनको लोग तंग करते हैं आके, तो इस वजह से जिनका पैसा वो भी आए हैं और जिन जो एजेंट बेचारे जिनने जिनको एजेंट बनाया वो भी आए हैं, और इस तरीके से उनको थाने में आके यहाँ पर आज हम लोगों ने भर्ती कराया गया है। रंग हो भंग हो और मस्ती की तरंग हो तो मौसम चकल्लसी हो जाता है, ऐसा ही हुआ रंग पंचमी पर बीजेपी नेता विजय श्रीनावत के यहाँ। चकल्लसी होली मनाई गई जहाँ गीत संगीत के साथ रंगों की महफिल सजी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बृजेश लुनावत ने रंग पंचमी पर चकल्लसी महफिल सजाई। महफिल में रंग अबीर गुजिया पकौड़े से लेकर नाच गाने तक का इंतजाम था। इस चकल्लसी होली का यह 8वां साल था। बृजेश लुनावत और उनकी मित्र मंडली इसका आयोजन करते हैं। पारंपरिक अंदाज में परिवारों का मिलना जुलना इसका उद्देश्य होता है और अब भोपाल में लोगों को इस चकल्लसी होली का इंतजार रहता है। इस बार भी बृजेश अतिथियों को गोल्डन तिलक लगाते नजर आए, जमकर गुलाल उड़ाया और फाग गीतों की महफिलें सजी। सबको, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को रंगपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन भी ऐसे ही सतरंगा हो और देश और प्रदेश आगे बढ़ता जाए, यही शुभकामना। रहेगा तो पता नहीं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि रंग सब पे चला रहना चाहिए। खूब बचाओ पानी भैया, खूब बचाओ पानी भैया 364 दिन, खूब बचाओ पानी भैया 364 दिन, पर तुम मत खेलो होली पानी बिन। आप तो राजनेता है जी, चुनाव आ गया है, आने दीजिए, चुनाव तो आते रहते हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह आ गए, तमाम तरह के लोग रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के, स्वांग रंग रस के आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं दिग्विजय सिंह? रंग बदल के, कपड़े बदल के, स्वांग बदल के भोपाल आए हैं, यही कहना चाह रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं, लेकिन उनका असली रंग भोपाल बता देगा कि वो किस रंग के हैं। तो भोपाल तालाब में इतना पानी है, अच्छे अच्छे सूरमा कांग्रेस के आ जाए, सबका रंग बिरंग हो जाए। चकल्लसी होली का मुख्य किरदार लेखक, पत्रकार, डॉक्टर्स, व्यापारी और राजनेता होते हैं। ये सभी लोग चकल्लसी होली के बहाने मिल बैठते हैं और जमकर हंसी चिठोली होती है। कहीं अबीर तो कहीं फूल बरस रहे होते हैं। होली और रंगपंचमी रंगों का त्योहार है। हम मत भूलकर, भिन्नता भूलकर, संदेशों को भूलकर सिर्फ एक ही संदेश देते हैं कि मिलजुल कर रहिएगा और आगे बढ़िएगा। रंग विविधता का प्रतीक है और ये भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है। रंग मिल जाएंगे तो जीवन में भी रंग मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये रंग पंचमी की तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, और जो होली को जब जो रंग उतरे तो पतो चले कि की को चेहरा कैसो, तो पतो चले क्यों जनन को चुनाव को टेम है, दल बदल को मौका है। पतो पर जब रंग लगा हो तो तब भाजपा ये थे, जब रंग उतरे तो कांग्रेस ही हो गए, ऐसे हो जाने हाल। और क्यों जनन को चुनाव के बाद ऐसा रंग उतरने के अगले 2-4 साल तक होली नहीं मना पाऊंगा। रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राम राम, नमस्कार। उत्सव और उनकी मस्ती हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। भारतीय उत्सव का अर्थ ही कहीं ना कहीं ईश वंदना है। ऐसे में उत्सव की शुरुआत का भी अपना अलग अंदाज होता है। चकल्लसी रंगपंचमी का आयोजन होता है और इस बार एक नया कार्यक्रम रहके सर्वोत्तम ग्रुप उज्जैन, हरीश जी की पूरी टीम है, तो एक बार हरीश जी के लिए जोरदार, हमारे मेहमान है उज्जैन से, आइए पूरी फाग कलाकारों की ये टीम। और लगातार आने वाले 2-3 समय में रंग और हुदड़ंग के साथ आपका ये मनोरंजन करेंगे। तो हरीश जी का स्वागत है इस चकल्लसी परिवार में, आपका स्वागत है, पूरी टीम का स्वागत है। Thank you.
से आए हैं, श्री कान्हानंद गांव से आए हैं, वो कान्हानंद गांव से आए हैं, कान्हानंद गांव से आए हैं, ओ बाबा रणत भवर से आओ बरसाने, ओ बाबा रणत भवर से आओ बरसाने, ओ बाबा रणत भवर से आओ बरसाने। होली के आगमन से पूर्व ऋतुराज बसंत का आगमन बसंत पंचमी से मनाया जाता है और यह मदमस्त रंगों की छटा तब से शुरू होकर रंग पंचमी तक चलती है। यह बोराए बसंत की विदाई की बेला है, लेकिन बसंत रंगों से सराबर होकर जीवन जीने का संदेश देकर जाता है। देखिए, रंग पंचमी सिर्फ उल्लास का पर्व नहीं है, ये एक आनंद का पर्व है। एक पर्व वो है जब हम एक ऋतु से दूसरी ऋतु की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए इस बात का आनंद महसूस किया जाता है कि ऋतु परिवर्तन का जो उत्सव है हिंदुस्तान की संस्कृति में, अगर हम देखें तो हर ऋतु परिवर्तन पर एक उत्सव होता है। ठीक वही रंग पंचमी और होली है, ऋतु का परिवर्तन है। हम होलिका को जो अन्न देते हैं, यहाँ शहरों में नहीं मालूम होगा, गाँव में हम ज्वार गेहूँ की जो पहली बाली होती है वो होली को देते हैं, तो बाली जल जाती है और दाना रह जाता है, तो दाने को प्रसाद माना जाता है। तो इसी तरह से ये होली का उत्सव है कि हम ईश्वर को भोग लगा करके हम शुरुआत करते हैं उत्सव की, जीवन के आनंद की। ये जीवन के आनंद का उत्सव है। होली का अवसर है, चौकीदार की बहुत चर्चा हो रही है। मैं एक जोगीरा दोहा आपके सामने दखल न्यूज के दर्शकों के लिए सामने पढ़ता हूँ। क्या प्रतिक्रिया हो रही है चौकीदार के नारे की? दोनों तरफ से चौकीदार के नारे हैं। मैं दोनों दोहों को, दोनों नारों को एक दोहे में परो करके आपके सामने पढ़ता हूँ कि चौकीदार को चोर कहा जब उसने बिन आधार, किसने बिन आधार? पप्पू ने। अरे चौकीदार को चोर कहा जब उसने बिन आधार, देश खड़ा हो करके बोला मैं भी चौकीदार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है देश में, चौकीदार की क्या स्थिति है? एक हार्दिक पटेल का बयान आया था कि अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी में जाऊं तो आप मुझे जूता मारना। अब क्या हो गया है, हार्दिक पटेल ने पार्टी ज्वाइन कर ली है कि अगर किसी पार्टी में जाऊं जूता देना आप, अरे अगर किसी पार्टी में जाऊं जूता देना आप, आज ढूंढती है जनता की कहां मिलोगे आप, जगीरा सारा रा रा रा। और एक है हुआ, एक दोहार पढ़ता हूं कि राहुल गांधी ने ना जाने कौन भांग है पी, भांग राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ हो जाता है होली के समय, कि राहुल गांधी ने ना जाने कौन भांग है पी, आतंकी से तू तड़ाक, आतंकी से मोदी जी से तू तड़ाक और आतंकी से जी, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा। होली है, होली की मस्ती है, आप सभी को शुभकामना। आज के होली के शुभ अवसर पर सबसे बड़ी कॉमेडी ये है कि भोपाल से मिस्टर भंटाधार आ रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश का भंटाधार तय हो गया है। और देश में पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस बार अभूतपूर्व बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आलू डाल के सोना निकालोगे? और राहुल बाबा अपनी आलू की फैक्ट्री चलाएंगे, सोना चांदी क्या बनाते हैं वो? पप्पू, बुरा ना मानो, होली है। रंग में भीग के आप और हम जैसे कोई उम्र का पता नहीं लगता, वैसे ही चकलसी होली में उज्जैन के कलाकारों ने समा बांध दिया। अलग अलग राज्यों की होली की छटा को कलाकारों ने मंच पर बहुत ही पारंपरिक तरीके से पेश किया। होली फिर ईश्वर की हो या इंसानों की, सभी को मस्ती में सराबोर कर देती है। Yeah!
ही नजर आते हैं, मगर उनकी बेटी जीवा कुछ ऐसा कर जाती है कि वो अपने आप को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से नहीं रोक पाते। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह बेटी जीवा से अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। वो अलग अलग भाषाओं में बेटी जीवा से पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो। तब जीवा ने एक के बाद एक 6 भाषाओं में तमिल, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और उर्दू में इसका जवाब दिया। भोजपुरी में धोनी ने जीवा से पूछा कैसिन बा, तो जीवा झट से बोली ठीक बा। पंजाबी में पूछा किद्दा, तो बिना रुके जवाब दिया बढ़िया। यह जवाब देते हुए जीवा बड़ी ही क्यूट लग रही हैं। आपको बता दें, धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन सफल कप्तान रहे हैं। वे बेहद शांत मिजाज के खिलाड़ी हैं। धोनी के जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. கேமோ நாச்சோ? பாலோ அச்சு. கேம்சோ? மஜாமா. கைசன் பா? கிக்கே பா. கிட்டா? வட்டியா. இன்ஷால்லா. மாசல்லா. வக்த் பிரேக் கா ஹை. பிரேக் கே பாத் ஜல்த் ஹாஜிர் ஹோங்கே. ஆப் தேக்தே ரஹியே தக்கல் நியூஸ். आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकाल नगरी उज्जैन में रंगपंचमी धूमधाम से मनाई गई। सुबह 4 बजे भस्म आरती में पुजारियों ने भगवान महाकाल को टेसू के फूलों से बने रंग लगाए और इसके बाद शहर में होली खेली गई। बाबा महाकाल के साथ होली खेलने के लिए टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार किए गए थे। सुबह भस्म आरती में भगवान के साथ भक्तों ने इसी रंग से होली खेली। राधा धीराज के आंगन में रंग उत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। उनके लिए भी बाबा के आंगन में होली खेलना खास रहा। बैंड बाजों के साथ निकलने वाली गेर में महाकाल ध्वज निशान शामिल रहे। महाराष्ट्र के पुणे की ढोल पार्टी आकर्षण का केंद्र रही। रंगों के त्योहार रंग पंचमी का उल्लास एक बार फिर नजर आया। फाग यात्रा के साथ शहर भर के हजारों लोगों ने राजवाड़ा पर एकत्रित होकर रंगों का उत्सव मनाया। गेर में कहीं मिसाइलों से रंग बरसाए गए तो कहीं रंग गुलाल के तिरंगे बनाए गए। देश के सबसे स्वच्छ शहर में 72 साल से चली आ रही सतरंगी गेर की परंपरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए यह शहर एकमत हुआ है। सभी का कहना है कि जैसी रंगपंचमी इंदौर में मनाई जाती है, वैसी पूरी देश दुनिया में कहीं नहीं मनाई जाती। राजवाड़ा क्षेत्र में 4 किलोमीटर मार्ग पर उत्सवी उल्लास छाया रहा। रंग बरसाते गेर, राजमहल्ला, मल्हारगंज, गोरा कुंड, खजूरी बाजार, राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, सर्राफा, शीतला माता, नरसिंह बाजार, इतवरिया बाजार से निकलेगी। रंग पंचमी के जुलूस में स्वचलित मिसाइल से 70 फीट ऊंची तक रंग फेंका जाएगा। इसमें जगह जगह टैंकर से पानी का फव्वारा छोड़ा जाएगा और कंप्रेशर से गुलाल उड़ाया जाएगा। जैसी गेर इंदौर में निकलती है, वैसी और कहीं नहीं निकलती। इंदौर की पहचान गेर को देखने दूसरे शहरों से लोग आते हैं। विदेशी लोग इसे देखकर अचंभित हो जाते हैं। गेर में न किसी से चंदा लेते हैं और ना ही राजनीति हावी रहती है। इस त्योहार को अगर हेरिटेज कलर फेस्टिवल नाम दिया जाए तो इसकी पहचान विश्व स्तर पर बने तो यह इंदौर के लिए गौरव की बात होगी।
रंग पंचमी के मौके पर भोपाल में भी जमकर रंग खेला गया। जगह जगह जुलूस निकाले गए और लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। भोपाल के चौक बाजार, कोलार, बीएचईएल और नेहरू नगर में रंग पंचमी के मौके पर जुलूस निकाले गए। रंग पंचमी पर होली से भी ज्यादा उत्सव लोगों को देखने को मिले। चौक बाजार से अलग अलग झांकियों से सजा जुलूस निकला और उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रंग पंचमी पर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया और शुभकामनाएं दी। संत हिरदाराम नगर की अग्रणी सामाजिक संस्था पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी ने गुलाल से तिलक लगाकर होली पर्व की बधाई दी। होली मिलन के साथ ही साधारण सभा बैठक का आयोजन भी किया गया। संत नगर के नवयुवक सभा हॉल में सभी ने गुलाल से तिलक लगाकर होली पर्व की बधाई दी। यहां पंचायत द्वारा ताल पर हुई गतिविधियों को लेकर लेखा जोखा पेश किया गया। बैठक में पूज्य सिंधी पंचायत के नवयुक्त उपाध्यक्ष मोहित शिवानी ने संत नगर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जुआ सट्टा एवं अन्य समस्याओं को बैठक में रखा गया। इस अवसर पर पंचायत के अध्यक्ष साबू रिजवानी और पंचायत के पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रंगपंचमी मुझे लगता है सिंधी समाज संत हिरदाराम नगर में जो हमारी तादाद है, हमारी जनसंख्या है, पूरे भोपाल में कोई ऐसा ज्योग्राफिकली अगर मैं देखूं भौगोलिक स्तर पर इतने सारे सिंधी इकट्ठे नहीं रहते होंगे। एसिड अटैक सर्वाइवर का इंतजार अब खत्म हो चुका है। लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर बनी मेघना गुलजार की छपाक का फर्स्ट लुक दर्शकों के सामने आ चुका है। इस फिल्म में एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार दीपिका पादुकोण ने निभाया है। दीपिका के फैंस उन्हें इस भूमिका में देखने का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है। दीपिका की यह फिल्म एसिड सर्वाइवर की कहानी पर आधारित है, जिसमें वह एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं जिसके चेहरे पर तेजाब से हमला कर दिया गया था। यह किरदार एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म में दीपिका पादुकोण मालती नामक महिला की भूमिका निभा रही है, जिसके जीवन में अनगिनत संघर्षों के बाद भी वह उनसे लड़ना जारी रखती है। इस फिल्म के माध्यम से दीपिका पादुकोण के बैनर के ए एंटरटेनमेंट की भी शुरुआत हो रही है। फॉक्स स्टार स्टूडियो के ए एंटरटेनमेंट और रक फिल्म मिलकर इस फिल्म को बना रहे हैं। यह फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। दीपिका इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। प्रोड्यूसर के रूप में दीपिका की यह पहली फिल्म है। इस फिल्म की तैयारी के लिए दीपिका पादुकोण ने लक्ष्मी अग्रवाल से जुड़ी ऑनलाइन उपलब्ध सभी दस्तावेजों और मीडिया की खबरों की विस्तार से जाना है। इसके अलावा उन्होंने लक्ष्मी अग्रवाल से व्यक्तिगत तौर पर भी बात की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा नहीं। जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको रंगारंग भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और आज है भैया होली। कल्याण भाई, ये ठंडाई वंडाई लाओ, आज थोड़ी भांग भी डाल दू। होली है भैया, और हर आदमी बोलता फिर रहा है होली है होली है। मैं बता रहा हूँ इसका असली कारण क्या है। वो गब्बर सिंह ने एक बार पूछा था होली का, वे तब से ऐसे डर गए लोग, तो होली होली है होली है चिल्लाते रहते हैं। कल मैं एक विमोचन में गया था भैया, कुत्तों के ऊपर व्यंग लिखे थे, किताब थी उसमें मेरे को अतिथि बना दिया। और मैं भैया जा रहा था और रास्ते में मेरे कुत्ते मिल गए। वो मीटिंग चल रही थी उनकी, उन्होंने कहा भैया चुनाव आ रहा है, किसके ऊपर भौंकना है, किसको काटना है, ये सब ये हो रहा था। वहाँ पे मैं पहुँचा, कर रहे थे, अरे मैंने कहा क्या हो गया, रुको। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर किताब निकली है, वहाँ चल नहीं रहे भैया। और मेरे से क्या कहने लगे कि वहाँ खम्भे हैं क्या। मैंने खम्भे बोले विमोचन लंबा चला तो कहाँ जाएंगे, पता ये ऐसी खबरें चल रही हैं। और ये खबर ये देख लो कि कल मेरे पास वो आ गए थे, बहुत चाय वाले चिल्लाते हुए, बोले हमें कोई इस चुनाव में पूछ ही नहीं रहा, कोई क्या करें हम करें, सब चौकीदारों के पीछे पड़े, सब उनके साथ होली खेल रहे हैं। और मैंने कहा भैया मेरे से मत पूछो ये सब बातें, ये मोदी जी से पूछो जाके, उनका काम है ये। हाँ, तो कल कांग्रेसी लोग वहाँ पहुँच गए सोनिया गांधी जी के पास होली खेलने, उनने भिड़बड़ा के ऐसा डांटा सबको, ये तुम्हें होली की पड़ी है। मेरा दिमाग टेंशन में चल रहा है, मेरे दोनों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, ये और तुम्हें होली की पड़ी है। अब वाड्रा जी ने जमीन ले ली और राहुल भैया घूम रहे हैं आकाश में राफेल लिए हुए, और भैया प्रियंका के लिए बच्ची वो पानी, तो वो उन्होंने गंगा यात्रा शुरू कर दी, बता रहे हैं। ये तो सब चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में देखो बुआ और बहुआ की होली चल रही है ना। अब बुआ कह रही तुम ये तुम्हारा इलाका है, तुम यहाँ खेलोगे, और बबुआ कह रहा है ये तुम्हारा इलाका नहीं है बुआ। हाँ, ये बुआ और बहुआ की होली चल रही है, इस पे मुलायम सिंह का क्या कहना है। हाँ बेटा, मुलायम हमारे बेटा अखिलेश अच्छा काम नहीं किया, वो परिवार चौपड़ हो गया, चाचा हो गया, और मैं क्या हूँ
बुआ के चक्कर पड़ गया, पार्टी का जो हो रहा है वो बुरा है हुआ है, वो तो प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी, वो तो प्रदेश में चौंक वापस लग जा बुआ एक्चुअली वापस नहीं पार्टी चूल्हे में जाए। तो ये तो सब चल लिया है। उधर भैया दिल्ली में है ना केजरीवाल, वो पिचकारी लेके होली खेलने निकले दिल्ली में, बता रहे हो कोई एक आदमी नहीं दिखा उनको, वो इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में, पूरा धुआं धुआं दिखा, कोई आदमी दिख ही नहीं था। हाँ अब सिसोदिया चिल्ला रहे, सिसोदिया ने भी मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा भैया ऐसे पॉल्यूशन में, और खुद ही उनके पिचकारी अपने रंगों अपने ऊपर डाला होगा आके बैठ के घर में, ये तो चल रहे हैं। और भैया उधर ममता बनर्जी वो घुसपैठियों के साथ होली खेल रही है, उनको वो अच्छे लग रहे हैं, अपने घर के घर वाले को छोड़ के दूसरों के साथ होली खेल रही है, उनको ये भैया वोट के चक्कर में देखो क्या क्या कर रहे हैं, बताए देश या भाड़ में घुसपैठिए पहले वोटर है ना वो। हाँ और भैया चुनाव आयोग जो हमारे अरोरा जी हैं कमिश्नर साहब बहुत परेशान, कोई उन पर कोई गुब्बारा फेंक जाता है, कोई बाल्टी भर भर के, कोई कीचड़ में खींचे, आचार संहिता का तो ये तो उल्लंघन हो रही है बता रही हूँ, वो परेशान हो रहे हैं। मेरे पास कल फोन आया भैया ये कंट्रोल नहीं हो रहे मेरे से, ये कहते हैं नेता है बताऊँ, ये तो चल रहा है। और वो अपनी जो अमित शाह हैं वो मिराई लिए घूम रहे हैं ऊपर, बाएं से बाल्टियाँ भर भर के पटक रहे हैं रंगों की, 250 बाल्टियाँ ले गए थे, अब मैंने कहा भैया 250 से काम नहीं चलेगा, 272 लेके जाओ तब तो काम चलेगा, पूरा रंग डालो पूरी जनता के ऊपर खींचो अपने उसमें तब तो होगा। एक हमारे स्टेट के जो है जयवर्धन सिंह मिनिस्टर है बताओ ये क्या कह रहे हैं कि पूरे शहरों को है ना धूल मुक्त करेंगे, मैं बता रहे धूल मुक्त करेंगे क्या मच्छरदानी लगवाएंगे, पूरे शहरों का ढक्कन बनवाएंगे क्या, धूल मुक्त करेंगे, यदि यदि बातें करते नहीं तो मेरी कॉपी खराब हो जाती बता रही हूँ। अब बोली है कुछ बोल नहीं रहा बता रही हूँ, जाते जाते एक शेर सुन लो, पड़ोसी ने बोली कि मैं तेरी होली, जब हम होली खेलने गए तो वो किसी और के साथ होली। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।